अरुणाचल और पूर्वोत्तर के कई इलाकों में चीन के नापाक इरादों के पीछे आखिर क्या है? चीन का दर्द या यूं कहें चीन का सरदर्द आखिर क्या है? तो इसके लिए आपको सुनानी पड़ेगी 64 साल पहले की उस रात की कहानी, जब चीन को चकमा देकर 23 साल का एक नौजवान रातों रात हिमालय के दुर्गम रास्तों से भारत पहुंचा था। और ये कहानी है दलाई लामा की, जो आज भी चीन की किसी चाल के जवाब में भारत के लिए सबसे बड़ा ट्रंप कार्ड है। चीन का सिरदर्द, भारत की शान, कहानी दलाई लामा की। करीब 64 साल की वो रात, तारीख 31 मार्च 1959, तिब्बतियों के सर्वोच्च धर्मगुरु 14वें दलाई लामा की कहानी बेहद दिलचस्प है। इस कहानी में चीन को झटका है, चीन को सदमा है, चीन की मक्कारी को मुंह तोड़ जवाब है। तिब्बत पर चीन के अवैध कब्जे के खिलाफ दलाई लामा वो आवाज है जिसे दुनिया बेहद आदर से सुनती है। साल से भारत ही दलाई लामा का घर है। वो चीन के लिए सबसे बड़ी किरकिरी है। तिब्बत पर चीन दलाई लामा से इतना चिढ़ता क्यों है, ये पूरी वजह तफतील से बताएंगे। इससे पहले दलाई लामा का वो सफर जो चीन के सैनिकों के संगीनों को मात देकर भारत में खत्म हुआ था। दरअसल तिब्बत में चीन के कब्जे और उसकी दमनकारी नीतियों के चलते ऐसे हालात बने कि दलाई लामा को रातों रात वहां से फरार होना पड़ा, भारत में शरण लेनी पड़ी। उस समय दलाई लामा 23 साल के थे। 17 मार्च को तिब्बत से अपने लोगों के साथ रवाना हो गए। सिपाही का वेश धरकर लहासा में अपने घर से निकले। तिब्बत के लहासा से लेकर भारत के तवांग का सफर, दुर्गम रास्तों से गुजरा दलाई लामा का काफिला। चीन ने लहासा को घेर लिया था और दलाई लामा को एक चीनी डांस शो में शामिल होने का न्योता मिला। उनसे बोला ये गया कि वो बगैर सुरक्षा के कार्यक्रम में पहुंचे। दलाई लामा के समर्थकों को लगा कि दाल में कुछ काला है, चीन धोखे से दलाई लामा को गिरफ्तार कर सकता है। इसके बाद हजारों तिब्बतियों ने उनके महल को घेर लिया ताकि उन्हें मारा ना जा सके और ना ही चीनी सैनिक उन्हें अगवा कर सके। ये वही मोड़ था जब तिब्बत के मुद्दे को जिंदा रखने के लिए दलाई लामा ने तय किया कि उन्हें भारत में शरण लेनी होगी। लहासा से अरुणाचल के तवांग की यात्रा बेहद मुश्किल थी। दलाई लामा को पूरा हिमालय रास्ता पैदल तय करना पड़ा। चीन के जासूसों और सैनिकों की निगाह से बचने के लिए सफर रात में करना पड़ता था। दिन में मठों में छिपकर वक्त गुजारते थे दलाई लामा। 26 मार्च को दलाई लामा लहुन से जोंग पहुंचे। तत्कालीन पीएम नेहरू को खत भेजा, पत्र में राजनीतिक शरण की गुहार लगाई। बाद में 31 मार्च को तवांग पहुंचने पर असम राइफल्स की एक टुकड़ी की सुरक्षा में दलाई लामा ने मैकमोहन लाइन क्रॉस किया। यही लाइन भारत और चीन की सीमा को बांटती है। भारत में दलाई लामा ने धर्मशाला में मुख्यालय बनाया और तिब्बत सरकार का गठन किया। ये इतिहास 64 साल पुराना है। आज भी तिब्बत पर चीन का अवैध कब्जा बरकरार है। आज भी चीन अपना दलाई लामा नियुक्त करता है। लेकिन आज भी दुनिया चीन से 64 साल पहले भाग कर आए 14वें दलाई लामा को ही असली दलाई लामा मानती है। जिस तिब्बत को लेकर दलाई लामा चीन की राह में रोड़ा है, उस पर विवाद पुराना है। 13वें दलाई लामा ने 1913 में तिब्बत की आजादी की घोषणा की थी। 1950 में चीन ने तिब्बत पर आक्रमण किया। 2 हफ्ते के सैन्य अभियान में अधिकांश क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। 1951 में चीन और तिब्बत के बीच समझौता हुआ। चीन के प्रशासन में तिब्बत को स्वतंत्र राज्य घोषित किया। दलाई लामा की सरकार थी लेकिन अधिकार सीमित थे।
इससे असंतोष फैला तो चीन ने सैनिक ताकत से कुचल दिया। विद्रोह की आग 1959 में भड़की तो दलाई लामा को चीन से बचने के लिए निकलना पड़ा। तब से दलाई लामा चीन के खिलाफ विरोध के सबसे बड़े प्रतीक है। वक्त के साथ चीन की तमाम कलाकारी सामने आती रही, लेकिन दलाई लामा के रूप में भारत के पास वो ट्रम्प कार्ड है जो चीन की बोलती बंद करने के लिए काफी है।